गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम शशांक वर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 21 पेरीमीटर एरिया ऑफ आरएस अग्रवाल एंड दिस इज आवर पार्ट टू. इन यस्टरडे वी डिस्कस पार्ट वन एंड इन दिस वी विल डिस्कस पार्ट टू मीन्स सम अदर क्वेश्चन. सो नाउ यस्टरडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 21A एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 21B. क्लियर स्टूडेंट्स? सो इन एक्सरसाइज 21B फर्स्ट क्वेश्चन इज इवन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अब यू नो दैट स्टूडेंट इफ दिस इज अ सर्कल तो आई एक्सप्लेन कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आई डिराइव द फॉर्मूला इन प्रीवियस वीडियो इन NCERT. सर्कमफेरेंस ऑफ द वॉट सर्कल. क्लियर स्टूडेंट? तो वी डिराइव द फॉर्मूला इन NCERT कि हाउ यू हैव टू फाइंड आउट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. क्लियर स्टूडेंट? तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 × π × r. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. हाउ इट कम? यस, यू नो दैट सर्कमफेरेंस यू कैन राइट डाउन c. क्लियर स्टूडेंट? तो सर्कमफेरेंस यू कैन राइट डाउन c एंड व्हेन सर्कमफेरेंस इट डिवाइडेड बाय टोटल डायमीटर. जैसे इफ दिस इज अ रेडियस, दिस इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल. यू नो दैट रेडियस इज अ हाफ. क्लियर? एंड डायमीटर इज वॉट? डायमीटर इज द टोटल, यानी डायमीटर इज द 2 times ऑफ रेडियस. इफ कंसिस्ट c इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस. अब सर्कमफेरेंस यू नो दैट इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, वॉट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस? यू हैव टू एड ऑल द साइड. बट इन दिस यू कैन नॉट एड, मतलब साइड इज नॉट गिवन ना. दिस इज द फॉर्म ऑफ सर्कल. क्लियर? तो फॉर सर्कल यू हैव टू टेक सर्कल c सर्कमफेरेंस. d मीन्स डायमीटर. वाई आई एम टेकिंग डायमीटर? बिकॉज टोटल लेंथ आई हैव टू टेक. Because in rectangle you also take total length. So total length from here to here you will take is equal to a constant. A constant means student, constant means whose value will never be changed. So here I am taking constant pi. Why? Because pi equal to 3.14. If 3.14 given, so you will apply 3.14. Otherwise you will apply 22/7. This is the value of pi. You can write down c equal to c. अब डायमीटर यू नो दैट व्हाट डायमीटर यू कैन राइट डाउन 2 × r. यू कैन राइट डाउन इक्वल टू, हियर राइट डाउन स्मॉल d, इक्वल टू कांस्टेंट यानी पाई. क्लियर? तो c इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट? c इक्वल टू 2 π r. क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. दिस ऑल्सो आई डिस्कस इन NCERT. क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. नाउ कम टू द क्वेश्चन कि हाउ वी विल टैकल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. अब यू नो दैट फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हूज रेडियस. तो सी स्टूडेंट रेडियस इज गिवन, रेडियस इज गिवन 28 cm. दिस इज गिवन रेडियस. अब यू हैव टू फाइंड आउट सर्कमफेरेंस. अब यू नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सी, सर्कमफेरेंस डिनोटेड बाय सी इक्वल टू 2 × π × r. क्लियर स्टूडेंट? अब यार पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन. इफ वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन 3.14, तो यू विल अप्लाई दिस. But if nothing is given, so you'll apply 22/7. Clear? So remember this, if pi value 3.14 is given, then you have to apply 3.14, otherwise you have to use 22/7. So here nothing is given, you can write down c equal to 2, value pi, you will write down this one, because 3.14 is not given, into radius r, 28. Clear student? So it will become 7 × 4 = 28. तो नाउ c इक्वल टू 2 × 22 × 4. क्लियर? तो c इक्वल टू 22 × 2 = 44. 44 × 4 = 176. एंड सर्कमफेरेंस गिवेन, तो सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज इन मीटर आर सेंटीमीटर, तो इट इज सेंटीमीटर. तो दिस इज योर प्रॉपर सॉल्यूशन, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस यू विल सॉल्व yourself. Next question you will solve yourself. Clear student? So now I am going to discuss
सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज गिवेन, यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हूज डायमीटर इज गिवेन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गिवेन, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हूज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यू हैव टू फाइंड आउट हूज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब यू नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 × π × r, यू नो दिस वेरी वेल. अच्छा, डायमीटर इज गिवन स्टूडेंट, तो वन टू थिंग्स यू कैन यूज. व्हाट? फर्स्ट यू विल फाइंड आउट रेडियस. अब रेडियस हाउ यू कैन फाइंड आउट? यू विल डिवाइड डायमीटर बाई 2, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. क्लियर? एंड अनदर थिंग व्हाट यू कैन राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन जैसे 2r इज गिवन ना, 2r मीन्स व्हाट? यू नो दैट डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई r. यू नो दैट ना, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r. हियर 2 टाइम्स r इज गिवन, तो ऑन द प्लेस ऑफ 2r यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन व्हाट? यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन d, बिकॉज 2 × r इट बिकम d, एंड pi तो सेम, तो राइट डाउन pi. क्लियर? तो c इक्वल टू डायमीटर इज व्हाट? डायमीटर इज 14 एंड pi इक्वल टू 22/7. नथिंग इज गिवन, तो यू हैव टू राइट डाउन 22/7. तो 7 × 14, तो सर्कमफेरेंस इट विल कम स्टूडेंट व्हाट? 44 सेंटीमीटर. अब इट मे बी पॉसिबल कि वन डाउट विल कम इन योर माइंड कि इन बोथ प्रोसेस आंसर विल कम सेम आर नॉट. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व बाय द सेकेंड मेथड. दिस इज आई एम यूजिंग डी, बट अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. तो लेट अस चेक कि बोथ विल कम सेम आर नॉट. बट इन कॉपी विल डू वन थिंग, इधर यूज दिस फॉर्मूला, इधर दैट दिस वन. तो यू नो दैट सर्कमफेरेंस इक्वल टू व्हाट? 2πr. क्लियर? तो हेयर आई वॉन्ट टू यूज रेडियस, हेयर आई यूज डायमीटर, हेयर आई वॉन्ट टू यूज रेडियस. अब यू नो दैट 2 × π, तो पाई रेडियस. अब यू रेडियस, यू नो दैट रेडियस इज वॉट? हाउ यू कैन फाइंड आउट स्टूडेंट? रेडियस इज डी बाई 2, यानी रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2. तो इट इज गिवन 14/2, इट विल कम 7. यानी रेडियस विल कम स्टूडेंट वॉट? रेडियस विल कम 7. तो c इक्वल टू 2 × 22/7 × रेडियस इज 7. 7 कैंसिल स्टूडेंट, इट विल कम व्हाट? इट विल कम 44 सेंटीमीटर. सी स्टूडेंट, बोथ आंसर आर सेम, इट्स डिपेंड ऑन यू विच कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट टू अप्लाई. क्लियर स्टूडेंट? हेयर आई एम यूजिंग डायमीटर एंड हेयर आई एम यूजिंग रेडियस. तो बोथ आर इक्वल, बट यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. क्लियर स्टूडेंट? सो बाय दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, इट्स डिपेंड ऑन यू विच फॉर्मूला यू विल यूज, ओनली कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट. क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज गिवेन थर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल. क्लियर? हूज सर्कमफेरेंस इज गिवेन? सर्कमफेरेंस गिवन 176 सेंटीमीटर. सेम क्वेश्चन वी डिस्कस इन पेरीमीटर. इफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? यू हैव टू फाइंड आउट साइड, एंड इन दिस यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस. सो यू नो दैट कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr. यू नो दैट ऑफ सर्कमफेरेंस, द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस गिवन 176. तो राइट ऑन 176. क्लियर? इक्वल टू 2 × π इक्वल टू 22/7. इज दैट क्लियर? आर स्टूडेंट व्हाट? आर इज गिवन नथिंग, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू हेयर, इट विल कम वन, यू विल राइट डाउन, इट विल कम 176 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल डू इंटू 7/44, बिकॉज 2 × 22, 44, 44 × 1, 44 इक्वल टू आर. क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ नेक्स्ट इज, अब टेबल आई लर्न, 44 × 4 = 176. यू कैन ऑल्सो चेक, यू कैन ऑल्सो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 4, इज डिपेंड ऑन यू. बट आई नो 44 × 4 = 176, तो आई कैन डायरेक्टली डिवाइड. तो इट विल बिकम आर इक्वल टू 4 × 7, तो 4 × 7.
क्लियर? तो इट विल कम आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. तो दिस इज अबाउट रेडियस. क्लियर स्टूडेंट? तो बाय दिस वी कैन फाइंड आउट रेडियस. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट सर्कमफेरेंस इज गिवन, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू विल फाइंड आउट योर रेडियस. क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन. वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि वॉट इज गिवन एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन कि वॉट इज गिवन एंड वॉट यू हैव टू फाइंड आउट. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 500 रिवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर. वेरी गुड क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट स्टूडेंट व्हाट डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट डिस्टेंस. अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू. जैसे डिस्टेंस मीन्स व्हाट स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन कि डिस्टेंस मीन्स आर टोटल लेंथ मीन्स पेरीमीटर. जैसे इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, इफ आई वॉन्ट टू नो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. टोटल डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ यू नो दैट टोटल लेंथ मीन्स पेरीमीटर. क्लियर ना? बिकॉज पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड. यानी टोटल डिस्टेंस एंड पेरीमीटर इज द सेम कॉन्सेप्ट. क्लियर? तो हेयर डिस्टेंस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट सर्कमफेरेंस. अब अनदर थिंग इज गिवन डायमीटर. डायमीटर इज गिवन 77 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? ओके, सो 500 रिवोल्यूशन एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 500. क्लियर स्टूडेंट? सो वी नो दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस. क्लियर? सो यू नो दैट कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई इनटू आर. अब फॉर पाई व्हाट यू विल यूज, यू विल यूज 22/7 बिकॉज 3.14 इज नॉट गिवन. क्लियर? सो अब यू नो दैट सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर. क्लियर? एंड हेयर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई एन. एन इज वॉट स्टूडेंट, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. क्लियर? सो नाउ अब सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज नॉट गिवेन, तो डायमीटर इज गिवेन. यू कैन राइट डाउन वॉट, यू कैन राइट डाउन 77/2. आर अनदर थिंग वॉट यू कैन अप्लाई स्टूडेंट, यू कैन अप्लाई 2R. तो 2R मीन्स डी, यू कैन डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ 77, बोथ विल बी सेम. बट हेयर आई एम यूजिंग रेडियस, तो रेडियस इज डायमीटर बाई 2, डायमीटर इज 77, तो 77/2 इंटू वॉट, इंटू 500. क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, वन अनदर थिंग कि दिस इज गिवेन 77 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट? तो यू हैव टू सीक, यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर आर सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस. 2 एंड 2 यू कैन कैंसिल आउट. क्लियर? एंड 7 11 टाइम्स. क्लियर? तो इट विल कम सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 इंटू 11 इंटू वॉट 500. क्लियर स्टूडेंट? नाउ यू नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. क्लियर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो इट वॉज गिवन 77 सेंटीमीटर. यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर. तो इफ यू विल कन्वर्ट 77 सेंटीमीटर इन टू मीटर, यू विल डिवाइड इट बाई 100. तो हेयर यू विल राइट डाउन डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, बिकॉज दिस सर्कमफेरेंस ऑलवेज विल कम इन मीटर. तो दिस 1010 कैंसिल. क्लियर? हेयर ऑल्सो यू कैन यूज कि 77/2 इंटू 100, इट्स डिपेंड ऑन यू. बट हेयर आई एम डिवाइडिंग इन लास्ट, इन लास्ट ऑल्सो यू कैन डू. तो दिस विल कम सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 5. क्लियर? अब नाउ मल्टीप्लाई इट, तो यू कैन राइट डाउन सी इक्वल टू हेयर 11 5 22 मल्टीप्लाई बाई 55. क्लियर? अब नाउ मल्टीप्लाई इट, तो 55 इंटू 22, 2 5 10 11. 2 5 10 11. क्लियर?
तो दिस विल कम 0, 1, 2, 1. क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज योर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 1210. इट विल कम 1210 मीटर. क्लियर स्टूडेंट? अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सी व्हाट इज गिवन. डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू फाइंड आउट टोटल सरकमफेरेंस. ओके, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन. ओके, तो सरकमफेरेंस इक्वल टू सी इक्वल टू 2πr एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. जैसे इफ अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, क्लियर? तो यू नो दैट ना व्हील, तो व्हील विल कवर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट विल कवर. क्लियर? बिकॉज जैसे दिस इज अ कार, व्हील ऑफ कार, तो इट विल रोटेट ना, एवरी टाइम इट विल रोटेट, यानी इट विल कवर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन यू नो दैट ना, जैसे रिवोल्यूशन दिस वन. क्लियर? सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवेन. ओके, तो सी इक्वल टू 2 × 22/7 रेडियस. डायमीटर इज गिवेन 77, तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 77/2 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, इट विल कम 22/7, 11 टाइम्स विल रिड्यूस, 2 and 2 विल रिड्यूस. तो 22 × 11 × 500/1. अब वाई आई एम यूजिंग 100, बिकॉज सरकमफेरेंस ऑलवेज विल कम इन मीटर. क्लियर? बट हियर इट वॉज गिवन इन सेंटीमीटर. इफ यू विल कन्वर्ट 77 इन मीटर, तो यू नो दैट 1 meter इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 77 सेंटीमीटर इक्वल टू 77/100 कन्वर्जन, यू नो दैट. तो हियर आई एम राइटिंग, हियर ऑल्सो यू कैन राइट डाउन, बट हियर आई एम राइटिंग, इट डिपेंड ऑन यू. एट लास्ट यू कैन ऑल्सो